वायरस प्रेगनेंसी किसको कहते हैं? सो पहला फैक्टर है रिलेटेड टू द मदर। अगर मदर की एज बहुत कम है, यानी कि लेस देन 17 ईयर्स, या मदर की एज ज़्यादा है, मोर देन 36 ईयर्स। दूसरा, माँ का वज़न, यानी कि मदर बहुत अंडरवेट है, जिसमें कि उसका BMI या बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 18 से कम है, या फिर जो मदर है वो ओबीस है, यानी कि उसका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 30 या उससे ज़्यादा है। सो मटर्नल फैक्टर्स। सेकेंडली, प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री। यदि उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में, यू नो, एडवांस्ड प्रेगनेंसी में कोई बच्चे की डेथ हो गई थी पेट के अंदर, जिसको हम इंट्रायूट्राइन डेथ कहते हैं, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में मदर को कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन डेवलप हो गई थी, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर इन दैट प्रेगनेंसी, जिसके कारण माँ को या बच्चे को कोई नुकसान पहुँचा हो, या उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई ऐसा बच्चा था जिसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम या कोई डेवलपमेंटल, यू नो, प्रॉब्लम थी कि उसके ब्रेन में या हार्ट में या स्पाइन में कोई डिफेक्ट था, या बच्चे को कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम थी जैसे कि डाउन सिंड्रोम। सो प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, जैसे प्रीवियस प्रेगनेंसी में वो समय से पहले लेबर में चली गई, जिसको हम प्री टर्म लेबर कहते हैं, या पिछली प्रेगनेंसी में उसको समय से पहले वाटर बैग बर्स्ट हो गया, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हम कहते हैं। सो प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू, यू नो, डिटर्मिन दी टाइप ऑफ केयर वी हैव टू ऑफर इन द करंट प्रेगनेंसी। देन द थर्ड इज़, इफ़ द मदर हैज़ सम अदर मेडिकल डिसऑर्डर, जैसे माँ प्रेग्नेंट है लेकिन उसको कोई साथ में हार्ट डिजीज़ है विच इज़ सिवियर, या उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जैसे एपिलेप्सी यानी कि फिट्स पड़ना, या कई बारी कई सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि SLE, तो कोई भी मेडिकल कंडीशन जिसके कारण मदर को रिस्क हो सकता है, बच्चे को रिस्क हो सकता है, जिसके कारण मदर को कई ऐसी मेडिसिंस लेनी पड़ सकती हैं जो हमें प्रेगनेंसी में ध्यान से देनी है, तो दैट विल अगेन क्वांटिफाई एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। देन वी हैव फैक्टर्स रिलेटेड टू द बेबी, यानी कि एक से ज़्यादा अगर बच्चा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की ट्विन प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, आजकल कई सारे प्रेगनेंसीज जो हैं वो IVF के द्वारा कंसीव किए जाते हैं, एंड IVF में कई बारी ट्विनिंग का रेट जो है वो ज़्यादा होता है वर्सेज अ स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन। सो ट्विन प्रेगनेंसी के अपने कई सारे चैलेंजेस होते हैं, या फिर अदर फैक्टर्स रिलेटेड टू द बेबी, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ ठीक ना हो रही हो, जिसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बच्चे को जितना खून का प्रवाह जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है और बच्चा जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। सो फैक्टर्स रिलेटेड टू द बेबी कैन ऑल्सो मेक द प्रेगनेंसी अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। एंड देन लास्टली वी हैव फैक्टर्स रिलेटेड टू द प्लासेंटा, यानी कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें जो अवलनाल है वो नीचे की तरफ है। नॉर्मली बच्चेदानी में जो अवलनाल होती है वो ऊपर की तरफ होती है, लेकिन कभी कभी वो लो लाइंग हो सकती है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ऐसी प्रेगनेंसीज़ में ब्लीडिंग ज़्यादा होने का और अचानक ब्लीडिंग हो जाने का रिस्क होता है। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर माँ को हाई BP है तो प्लेसेंटा समय से पहले ही अपनी अटैचमेंट से छूट सकता है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन। ये अब्रप्शन प्लेसेंटा एक सिचुएशन है जो कि बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए अंदर तो माँ के लिए भी डेंजरस हो सकती है। आजकल हम देखते हैं सिजेरियन सेक्शंस का रेट बढ़ गया है, तो ऐसे में अगर प्रीवियस सिजेरियन के स्कार पे जो अवलनाल है वो चिपकी हुई हो तो हम उसको कहते हैं प्लेसेंटा अक्रीटा या मॉर्बिडली अधेरेंट प्लेसेंटा। ये भी अगर प्रेगनेंसी इस तरह की हो तो वो बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि उसमें हमें डिलीवरी के लिए स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम किस तरीके से उस अवलनाल को बच्चे के डिलीवरी के बाद सेपरेट करेंगे। सो ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये क्वालिफाई करते हैं अंडर हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी। यदि ऐसा कोई भी फैक्टर है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो प्रेगनेंसी केयर है वो एक टर्शरी लेवल हॉस्पिटल से लें, जहाँ पे ना केवल ऑब्स्टेट्रिक्स बल्कि बाकी सुविधाएं भी, जैसे कि Level 3 नर्सरी केयर, बच्चों का केयर, ब्लड बैंक की फैसिलिटी, क्रिटिकल केयर की फैसिलिटी, ICU की फैसिलिटी भी अवेलेबल हों।